हे गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस लेटेस्ट और कूल गैजेट से भरे हुए वीडियो में, जिसमें आपको टॉयज से लेकर डेली लाइफ में यूज होने वाले गैजेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक छोटा सा ड्रोन जो आपके सिर्फ दो ही उंगलियों में आ जाता है, साथ ही एक बजट रेंज में आने वाले ईयरबड्स, और गेमर्स के लिए है पोर्टेबल गेमिंग कंसोल। जी हाँ, तो और भी काफी सारे बेहतरीन गैजेट्स मौजूद हैं इस वीडियो में, जिन्हें आप चाहो तो अमेज़न से काफी चीप प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा आखिर तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ साइड में आने वाले बेल आइकन को भी रख लीजिए ऑल पर, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हैप्टो वीआर। गाइज, आपने वीआर बॉक्सेस यानी कि वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स तो काफी सारे देख रखे होंगे और उन्हें यूज भी किए होंगे, लेकिन क्या आपको उसमें कभी रियल वाली फीलिंग आई है? जाहिर से बात है, नहीं आई होगी। लेकिन गाइज, अगर आप इस हैप्टो वीआर बॉक्स का यूज करेंगे तो आपको रियल वाली फीलिंग बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यह हैप्टो कोई मामूली सा वीआर बॉक्स नहीं है, बल्कि यह एक वीआर कंट्रोलर के साथ आने वाला वीआर बॉक्स है। और हाँ, वो वाला कंट्रोलर नहीं जो यूजुअली वीआर बॉक्सेस के साथ आता है, यानी कि इसका कंट्रोलर काफी डिफरेंट टाइप का है। मतलब इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, बल्कि इसमें मौजूद होते हैं 20 छोटे छोटे पुशिंग बटन जो सही वक्त पर 100% रियल फीलिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब भी आप वीआर में किसी भी कैरेक्टर हो या ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो आपको वो रियल टच वाली फीलिंग ये कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। बस इतना ही। और बात करें इसे यूज करने की, तो इसे यूज करना केक को खाने जितना आसान होता है। तो आपको बस वीआर में अपने स्मार्टफोन को डाल देना है, और हाँ, बिना भूले उसके कंट्रोलर को भी पहन लेना है। फाइनली उसके बाद का मजा आप खुद ही सोच सकते हैं। वेल, तो गाइस, आपको ये वीआर बॉक्स कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। निंटेंडो स्विच। गाइज, अगर आपके पास प्लेस्टेशन या फिर एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल है तो आप जानते ही होंगे कि उन्हें घर के सिवाय बाहर ले जाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो कंसोल्स बने होते हैं इंडोर गेमिंग पर्पस के लिए। वेल, तो गाइज, क्या आप बड़े बड़े गेम्स को आउटडोर में खेलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए बना हुआ है यह निंटेंडो स्विच, जो प्लेस्टेशन की तरह ही एक छोटा सा पोर्टेबल गेमिंग कंसोल है जो आता है काफी छोटे साइज में, जिससे कि ये पोर्टेबल हो जाता है। और बात की जाए इसमें मिलने वाले फीचर्स और फिजिकल ओवरव्यू की, तो गाइस, इस कंसोल के साथ आपको एक 1080p रेजोल्यूशन वाला फुली डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें फोर्टनाइट जैसे बड़े बड़े गेम्स 2000 गेम्स आसानी से रन हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। साथ ही ये कंसोल आता है 3 अलग अलग मोड्स के साथ। फर्स्ट वन है टीवी मोड, जिसे आप टीवी से डॉक करके गेम्स को एचडी क्वालिटी के साथ प्ले कर सकते हैं। सेकंड वन है टेबल टॉप मोड, यानी कि जो डिस्प्ले आपको कंसोल के साथ मिलता है उसे आप डिटैच करके टेबल पर रख के मल्टीप्लेयर के साथ गेम्स खेल सकते हैं। फाइनली थर्ड वन है हैंडल्ड मोड, जो कि सिंपल है, मतलब पूरे गेमिंग कंसोल को अपने हाथ में होल्ड करके गेम्स को खेलना। वेल, तो गाइज, इसमें आपको लेफ्ट साइड जॉयस्टिक और कुछ बटन्स देखने को मिलेंगे, वही राइट साइड में भी आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे। खैर, तो गाइज, आपको ये गेमिंग कंसोल कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। मिनी ड्रोन। दोस्तों, हमने आपको बड़े बड़े ड्रोन से लेकर छोटे मोटे ड्रोन्स भी दिखा रखे हैं, लेकिन इस बार का ड्रोन उन सारे ड्रोनों से काफी ज्यादा छोटा है। जी हाँ गाइस, सच में ये ड्रोन बेहद ही छोटा है। तो मिलिए इस वीडियो के सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट से, जिसका नाम है जेट जेट नैनो ड्रोन, जिसे मोटा कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, जो कहलाता है दुनिया का सबसे छोटा सा ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन इतना छोटा होता है कि आप इसे सिर्फ अपने दो ही उंगलियों में पकड़ सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इन्वेंटर्स ने छोटे ड्रोन को तो बना ही लिया है, बट क्या उसमें बड़े ड्रोन्स की तरह फीचर्स भी मौजूद होंगे? वेल, तो गाइस, ये छोटा सा ड्रोन आपको बड़े ड्रोन्स की तरह ही कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि फन के पर्पस काफी है। खैर, तो अब बात कर लेते हैं इसे यूज करने के बारे में। तो गाइस, आपको बस रिमोट कंट्रोलर में से ड्रोन को बाहर निकालना है और जॉयस्टिक से ड्रोन को टेक ऑफ करवा देना है, जिसके बाद आप इस ड्रोन से खूब सारे ट्रिक्स करके अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं कुछ इस तरह से। वेल, तो गाइस, अगर आप इसी तरह के ड्रोन को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 1300 रुपीज में अमेज़न से बाय कर सकते हो। एम्बर मग 2। गाइस, जैसे कि विंटर सीजन में चाय या फिर कॉफी को पीने का तो कुछ अलग ही मजा होता है, लेकिन मजा तब आता है जब चाय या फिर कॉफी गर्म हो, क्योंकि कई बार स्पेशली ठंडी के दिनों में अगर चाय कॉफी को हद से ज्यादा यूं ही छोड़ दें तो वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं बचती, जिससे कि आपको फिर से उसे गर्म करना पड़ता है। लेकिन गाइस, अब आपको बार बार कॉफी को गर्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके लिए एक मस्त सा गैजेट लेकर आए हैं जिसका नाम है एम्बर मग 2। और हाँ, नॉर्मल मग नहीं, ये एक टेम्परेचर कंट्रोल स्मार्ट मग है, जो दिखने में तो स्मार्ट मग बिल्कुल भी नहीं लगता। वैसे मग दिखने में जैसा भी हो, ये आपको कॉफी को गर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। किस तरह से, देखिए। तो गाइज, होता तो बस ये है कि इस मग के बेस में हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, जिससे कि ये होगा कि आपकी कॉफी इंस्टेंटली गर्म हो जाती है। वैसे आप इस मग को एक तरह से इलेक्ट्रिक हीटर भी कह सकते हैं,
खैर तो इसे यूज करना होता है बेहद आसान। बस आपको इसमें कॉफी या फिर चाय को डाल देना है, जिसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन में उसके ऑफिशियल ऐप एम्बर को इंस्टॉल कर लेना होगा। फाइनली आपको इस ऐप में अपने अकॉर्डिंग हीटिंग टेम्परेचर को सेट कर देना होगा, जिसके बाद जब टेम्परेचर उस लिमिट तक रीच हो जाएगा तो आपको ये मग स्मार्ट वॉच में और स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन भेज देता है, जिसके बाद आप गरम गरम चाय का मजा ले सकते हैं। नॉइस एयरबड्स। तो गाइज अब मिली है 2300 रुपीज के प्राइस टैग के साथ आने वाले एयरबड्स से, जो आते हैं नॉइस ब्रांड की तरफ से, जिसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस और फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है टोटल 20 आर का प्ले टाइम, साथ ही 13 mm वाले स्पीकर ड्राइवर से जो काफी रिच साउंड प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशली ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं ये एयरबड्स, जो की 4.0 टेक्नोलॉजी से काफी फास्ट होते हैं। खैर तो इसे यूज करने के लिए आपको बस इसके केस को ओपन करके एयरबड्स को बाहर निकाल लेना होगा और स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से पेयर भी कर लेना होगा, जिसके बाद एयरबड्स यूज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद आप उसमें हाई क्वालिटी में म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करने के लिए आपको जस्ट दोनों में से किसी भी एयरबड्स के ऊपर 2 बार टैप करना होगा, और अगर आप सॉन्ग को चेंज करना चाहते हैं तो आपको राइट वाले एयरबड पर 3 बार टैप करना होगा और प्रीवियस सॉन्ग के लिए लेफ्ट वाले एयरबड पर 3 बार टैप करना होगा। वेल तो गाइज अगर आपको कॉल आता है तो आपको दोनों एयरबड्स में से किसी भी एयरबड पर 1 बार टैप करना होगा, तब जाके कॉल रिसीव हो जाएगा, और कॉल को कट करने के लिए 2 बार टैप करना होगा। खैर तो गाइज आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिलता है। और बात की जाए एयरबड्स की वेट की, तो गाइज ये एयरबड्स आते हैं 4.5 grams के वेट में, जिसे पहनकर रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेल तो गाइज इसकी परचेस लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्क्रिबिट। दोस्तों अगर आप अपने वॉल पर एक ही तरह के पेंटिंग्स को देख देख कर बोर हो चुके हैं, तो आपके लिए स्क्रिबिट कंपनी के द्वारा बनाया गया है दुनिया का पहला राइट एंड इरेज रोबोट, जो आपके नॉर्मल वॉल पर यूनिक आर्ट और इमेजेस को ड्रॉ करता है, वो भी कुछ इजी स्टेप्स में। वेल तो गाइज इस गैजेट का मैकेनिज्म होता है काफी एडवांस, जिससे कि इसे मैनुअली कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और बात करें इसे यूज करने की तो वो भी काफी सिंपल होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वॉल को चूज करके उस पर 2 कीलों को ठूसना है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड में। वैसे नेल्स का काम बस इस रोबोट को होल्ड करना होता है, और हाँ नेल्स को ठूसने के बाद आपको उस रोबोट को उसमें हैंग करके उसके प्लग को पावर सॉकेट में प्लग इन कर देना होगा, जिसके बाद आपको बस अपने स्मार्टफोन में इसके ऑफिशियल ऐप यानी कि स्क्रिबिट को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना होगा, जिसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आपको करना ये होगा कि जिस किसी भी इमेज को आप वॉल पर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी रियल इमेज को आपको उसके ऐप में अपलोड कर देना होगा। फाइनली उसके बाद रोबोट अपना काम शुरू कर देता है कुछ इस तरह से। और गाइज आप इस रोबोट को अपने फेवरेट ऐप्स और न्यूज आर्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो ये रोबोट उसे वॉल पर लिखने लग जाता है। लेकिन गाइज ये फीचर मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा। वैसे आप इस रोबोट को वॉल के बजाय व्हाइट बोर्ड, ग्लास और स्टैंडर्ड प्लास्टर पर भी यूज कर सकते हैं, साथ ही इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। खैर तो अब प्रिंट करने की बात तो हो गई, अब आ जाते हैं इरेज मोड पर। तो गाइज जो ये रोबोट सरफेस पर प्रिंट करता है उसे वो बिना वॉल को डैमेज किए ही इजीली इरेज भी कर देता है कुछ इस तरह से। स्लाइड अवे। अगर आप में से कोई पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पेरेंट्स के कीमती टाइम को बड़े ही आसान तरीके से रिड्यूस करता है। पहले तो जान लेते हैं उस टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम के बारे में। वेल तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें खेलने के लिए काफी सारे टॉयज भी मौजूद होंगे, जिसे बॉक्स से बाहर निकालने के बाद उन्हें इकट्ठा करने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन पेरेंट्स अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आ चुका है स्लाइड अवे यूजफुल प्रोडक्ट, जो बस एक सिंपल सी बैग होती है जिसमें एक बड़ा सा कपड़ा भी अटैच्ड होता है, जिसमें होता यह है कि जब आप उस बैग में से टॉयज को बैग वाले ही कपड़े पर डालेंगे तो आपको टॉयज समेटने के वक्त बस कुछ इस तरह से कपड़े के एंड वाले स्ट्रैप्स को पकड़कर सारे टॉयज को बैग में डाल देना है कुछ इस तरह से, जो कि कुछ सेकंड्स में ही बिखरे हुए टॉयज बैग में चले जाते हैं, जो कि मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। वैसे आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पर देखने को नहीं मिलेगा, बट इसकी अल्टरनेटिव को आप 300 रुपीज के अंडर परचेज कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकन को भी रख लीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।